हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जो है फ़ोनपे को लॉगिन करते हैं तो उसमें पासवर्ड कुछ चेंज करना है, रीसेट करना है तो कैसे चेंज करेंगे, लॉगिन के पासवर्ड चेंज या रीसेट करना है तो कैसे करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप जो है फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उस टाइम पर आपको जो है पासवर्ड मांगा जाता है, जो पासवर्ड मांगा जाता है उसको चेंज करना है। माना कि कोई को आपके पासवर्ड पता है इसलिए चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर आप जो है पासवर्ड भूल गए, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आपको चेंज करना है पासवर्ड। तो कैसे चेंज करेंगे पासवर्ड को, रिसेट या चेंज करने के लिए क्या करना है लॉगिन के पासवर्ड को, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब यहां पर मैं फिंगरप्रिंट क्लिक करके और ओपन कर लेता हूँ, लेकिन आपको जो है फिंगरप्रिंट से ही करते हैं लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से चेंज करना चाह रहे हैं। तो चेंज करने के लिए करना क्या है, फ़ोनपे के पासवर्ड को चेंज करने के लिए, रीसेट करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल एंड पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है और इसमें यहाँ पर जो आपका नेम देखने को मिल जाता है, आपकी UPI ID, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाते हैं। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक देखने को मिल रहा है ये वाला, तो इसमें जो है बायोमेट्रिक का ऑन होगा, मतलब आप फिंगरप्रिंट को यूज करते हैं। बाकी पासवर्ड को चेंज या रिसेट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है चेंज पासवर्ड रिसेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है एंटर योर ओल्ड पासवर्ड। अब आपके ओल्ड पासवर्ड अगर आपको याद हैं तो आप एंटर कर दीजिए यहाँ से कुछ इस तरह से और प्रोसीड कर दीजिए। और यहाँ पर आएगा सेट ए न्यू 4-डिजिट पासवर्ड, मतलब आप जो है 4-डिजिट का जो न्यू पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर एंटर करिए, कंफर्म करिए, अगेन री एंटर करना है, अगेन कंफर्म कर देना है। अब रही बात, अगर आपको नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है ओल्ड पासवर्ड याद नहीं है, तो फिर क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर फिलअप होएगा और OTP जैसे फिलअप हो जाएगा उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आएगा न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का। अभी देखना मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर OTP आने के बाद। तो यहाँ पर जैसे OTP, अगर आपके मोबाइल में सिम डल रही होगी तो OTP डायरेक्टली आ जाएगा और ऑटोमेटिकल हो जाएगा, 4-डिजिट सेट ए न्यू 4-डिजिट पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड याद नहीं है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब जो है आप प्रोसीड करेंगे, इसके बाद चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं फ़ोनपे के लॉगिन पासवर्ड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।